अपनी भी सीरियस होता है कि सरकार कुछ भी बात करते हैं, नॉन सीरियस बातें हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़ी राजनीतिक पार्टी राजनीतिक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर नॉन सीरियस है टिप्पणी कर सकते हैं, मतलब मजाक का विषय है। पहले देश में या प्रदेश में भी मजाक कर रहे हैं, हंसी आती है कि कह रहा हूँ इसीलिए हम कहते हैं कांग्रेस हमारे लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि वो चुनाव के वक्त आ जाते हैं, कुर्ते पजामे सिलवा लेते हैं, कुछ इधर उधर की बात करते हैं, डेवलपमेंट से कैसे ध्यान हटे जनता का। मोदी जी ने भी विकास किया, शोभा जी ने विकास किया, तो विकास की भाई बहस करिए तो विकास में करिए ना। कौन नेता कांग्रेस का हमारे सामने विकास के लिए बहस करने के लिए खड़ा हो सकता है, जरा बताएं। कांग्रेस अब बहुत दयनीय पार्टी, थोड़ा अफसोस होता है। अमित शाह जी के दौरे को लेकर किस तरीके देख रहे हैं, और भी जो दौरे होने वाले हैं वैसा और लगातार ही एक बताते हैं, उनके दौरे को लेकर बीजेपी में खासा उत्साह मिले थे। हाँ है, और हमारे नेता हैं संगठन के, और हमें गर्व होता है जब भी वो आते हैं और टीप देख जाते हैं चुनाव को, क्योंकि भारतीय राजनीति में तो चाणक्य हैं, और जिस तरीके से वो काम करते हैं कोई सा भी अभेद किला उनके सामने रखो वो भेद कर देंगे, ये उनकी विशेषता है। अमित जी कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत ही इंस्पायरिंग हैं और प्रेरणा देने वाले हैं, जब भी वो कार्यकर्ताओं के बीच में आते हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह आ जाता है, डबल उत्साह से लोग काम करते हैं। बस सपाक संगठनों की जो सक्रियता बढ़ रही है, आपको कह रहे हैं कि अर्बन नक्सलिज्म कहीं ना कहीं ये पनप रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप तमाम जो संगठन एकजुट हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ भी आक्रोश है, तमाम जो जिम्मेदार हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी गुस्सा जाएगा। देखिए ऐसा है कि अर्बन नहीं, कांग्रेस वामपंथी तथाकथित NGO जो विदेशों से फंडेड थे, जिनका विदेशी फंड मोदी जी ने कम कर दिया है, तथाकथित वो साहित्यकार जो सरकार के सहारे पर पुरस्कार प्राप्त करते थे, वो पुरस्कार को जुटाने वाला सब लोग, ये सब लोग का एक नेक्सस है जो देश में विकास नहीं चाहते, देश को बांटना चाहते। आप याद करिए कि जब नारे लगे विश्वविद्यालय में जे एन यू के भारत तेरे इंशाला बन गया, कांग्रेस भी वामपंथी नेता सीताराम येचुरी टी राजा आप पार्टी के नेता थे, ये सब तथाकथित साहित्यकार NGO उनको समर्थन करेंगे। ये समझते हैं कौन इस देश का नागरिक है जो इस नारे को लगाने वाले लोगों के समर्थन में खड़ा होगा, तो इसलिए इनके चेहरे को पहचानना चाहिए, इनको देश के डेवलपमेंट से नफरत, मोदी जी से नफरत, क्योंकि मोदी जी देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्रकारी लोग समाज को बांटना चाहते हैं,
सभी सपास के रूप से भी और हम देश के लिए लड़ते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्रवाद की बात करें सिर्फ मैं मेरा समाज यहाँ तक नहीं, मेरा देश अगर नारा लगाना हो तो ये लगाए कि जात हमारी कोई भी हो, धर्म हमारा हिंदू है, धर्म हमारा कोई भी हो, माता हमारी भारत हो, ये नारा लगाना चाहिए। देश में कुछ हो दुनिया के सामने देश को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना चाहिए, राष्ट्रवाद की बात करना चाहिए, विकासवाद की बात करना चाहिए, जातिवाद। आरक्षण को लेकर सवर्ण का एक बड़ा तबका पार्टी से लगातार आंदोलन भी हुए और आज भोपाल में एक बड़ा आयोजन सपा के बैनर के तहत होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि गुमराह हो गया, इसलिए जब सब लोगों को समझ में आ जाएगा मैंने समझता है पार्टी से कुछ लेकिन संवाद चलिए आज जल्दी मतलब बताया।